29/66 कराती क्लास और बात चल रही थी पति तो वापस नहीं जा सकते, बाप ही आकर के पावन बनाते हैं, जब पावन बनते हैं तो वापस जाते हैं। इसके लिए कहते हैं मुझे याद करो, सुमूर्ति का चित्र है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। उसी के चित्र में बाप कहते हैं मुझे याद करो, सुमूर्ति के चित्र में बाप कौन है? तीन मूर्तियों का चित्र है, ब्रह्मा ब्रह्मापुरी, विष्णु विष्णुपुरी, शंकर शंकरपुरी। तीन मूर्तियों में फिर बाप कौन है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, इसके आगे क्या कहा जाता है? शिव परमात्मा ही नमः। उनके लिए देवता नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि शिव उसमें प्रवेश होता है, विष्णु में प्रवेश नहीं होता है, विष्णु तो पवित्र है। तो जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के आता है वो ये बाप का रूप बन कर जाता है। तो कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, पावन बन करके पावन दुनिया में आकर के जन्म लेंगे। तो नोट कर लेना चाहिए, बच्चे कहते भी हैं सहज से सहज करके समझाओ, बाप तो आते ही है मुश्किल को सहज करने। 63 जन्म कितना ज्ञान का सूत मुझाई दिया गुरुओं ने, मुझाया, बाप आकर के सुलझाते हैं। तो बाप का परिचय देना पड़े तभी ब्राह्मणों को बाप आकर के जीवन मुक्ति देते हैं। दुखहरता सुखहरता भी उसे के लिए गाया जाता है, ऐसे ऐसे मीठे बच्चों को रोज समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो विचार सागर मंथन भी होगा। बाबा तो कल्याण का रास्ता बताते हैं, अपनी उन्नति के लिए रोज अच्छी अच्छी पॉइंट सुनानी चाहिए तो सीखते जाएंगे और उन्नति भी इसी में है। कोई कोई भी समझा सकते हैं, सर्वशक्तिमान बाप है, उनको पति पावन कहते हैं, इनको उनको उन ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा को नहीं कहते इनको, माने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होके बोला तो ये नहीं कहा इनको पति पावन कहते हैं, उसके अंदर बैठ करके किसको कहा? उनको पतित पावन कहते हैं, माना कोई भविष्य में पार्ट चलने वाला है, प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसके लिए बोला कि उनको पतित पावन कहते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाप इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये गौ भी है कौन, और बैल भी है, कौन है गऊ और कौन है बैल? वो गऊ भी है और बैल कैसे है? क्योंकि तन पुरुष का है इसलिए बैल भी है, बैल भी है। बैल किसकी सवारी दिखाते हैं? बैल तो शंकर की सवारी दिखाते हैं, तो बैल पर सवारी शंकर करता है और शंकर में कौन सवारी करता है? शिव सवारी करते हैं। शिव ज्योति बिंदु अगर बैल पर सवारी करे सीधा सीधा तो लड़क जावे, इसलिए शिव की सवारी शंकर के ऊपर और शंकर की सवारी बैल के ऊपर दिखाते हैं। बैल नाम क्यों दिया है? कहते तो है दो बैलों की जोड़ी, तो गवर्नमेंट बनी थी इंडिया की
तो कांग्रेस गवर्नमेंट का चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी, वो तो ऐसे ही बनाए देते हैं, समझते तो है नहीं। ये सृष्टि की भी जब गवर्नमेंट बनती है तो भगवान बाप जिनमें प्रवेश करते हैं वो दो बैल हैं, एक मुकर्रर रथ के रूप में है, एक टेम्परेरी रथ के रूप में है। तो जो टेम्परेरी है उसके लिए कहा ये गऊ भी है, क्योंकि पार्ट माता के है, नाम ब्रह्मा दिया हुआ है। उस ब्रह्मा से पहले प्रजापिता शब्द नहीं जोड़ा है, वो बाद में जोड़ा गया जब याद आया कि ये कि आज में जो व्यक्तित्व था वो ही सर्वोपरि था। तो इस मुख द्वारा बाप समझाते हैं ये माता भी है और पिता भी है, ये भाग्यशाली रथ है। कौन है भाग्यशाली रथ? कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए ये नहीं कहेंगे कि भाग्यशाली रथ है, क्यों? क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य लिया था नर से नारायण बनने का, तो नारायण तो बन नहीं सका, बीच में शरीर छूट गया, हार्ट फेल हुआ, तो हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ना ये तो योग की सिद्धि नहीं हुई, तो भाग्यशाली रथ तो नहीं हुआ। भाग्यशाली रथ उसे कहेंगे जो इसी शरीर से सारी सिद्धियां प्राप्त करे, इस लौकिक जन्म का भी जो चरम उद्देश्य है वो प्राप्त करे। जो बाप ने बताया कि मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है नर से नारायण बनना, तो भाग्यशाली रहते हैं, बच्चे जानते हैं फिर हम कब भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होंगे। एक बार हम भाग्यशाली बन जाएंगे, भाग्य विधाता बाप आकर के हमको भाग्य का वर्षा दे देगा, तो हम 21 जन्म तक वो भाग्य श्रेष्ठ भाग्य भोगते रहेंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। 31/12/66 का रात्रि क्लास। बच्चे प्रदर्शनी में ये समझाते तो होंगे कि हम भारतवासी सचिव में देवी देवता धर्म वाले थे, सचिव में देवी देवता धर्म वाले कौन थे? जो भारतवासी थे, आज से लेकर के अंत तक भारत में बसे थे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के नहीं गए थे, दूसरे देश में नहीं गए थे। तुम तो ज्ञान को जानते हो ना, अभी कलयुग का अंत है, 84 जन्म भी हमने ही लिए हैं, है? हमने लिए हैं, उन्होंने नहीं लिए हैं, हमने माने किसने? ब्रह्मा के मुख से बोला कि 84 जन्म भी हमने लिए हैं, माना ब्रह्मा बाबा जिनके सामने बोल रहे हैं उनमें से कोई बच्चे हैं जो बाबा की स्मृति में आए। बाबा तो इमर्ज करके भी बोलते थे, तो बोला 84 जन्म हमने लिए हैं, माना उन्होंने नहीं लिए हैं, इन्होंने जो सचिव में बाद की पीढ़ियों में आते हैं वो तो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, कम कलाओं वाली आत्माएं हैं, और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। वो बाप की बात पर नहीं चलते, बल ज्ञान में आ जाते हैं, ब्राह्मण भी बनते हैं लेकिन पक्के ब्राह्मण नहीं बन पाते, कुछ न कुछ कच्चापन रह जाता है, ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, दूसरी आत्माओं के दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाते हैं और जन्म जन्मांतर प्रभाव में रहे, इसलिए वो आत्मा पूरा ज्ञान नहीं उठा पाती। पूरा ज्ञान नहीं उठाती तो पूरा योग भी बाप से नहीं लगा पाती। जब पूरा योग नहीं होगा तो उम्र कम होगी या बढ़ेगी?
उम्र कम हो जाती है। तो आत्मा की जो उम्र है जो होनी चाहिए पूरे 5000 साल या 84 जन्म लेने वाला वो नहीं हो पाती, कम जन्म ले लेते हैं। बाप समझाते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। क्या क्या बोलते हैं मुर्गे? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म कौन सा हुआ? बहुत जन्म हुए 84 और 84 जन्म का अंत हुआ 36, उसमें आया। फिर बोला अंत के भी अंत में, तो जो 84वां जन्म हुआ उसमें प्रजा पिता के तन में आया, 7 साल वानप्रस्थ अवस्था में आया, और वानप्रस्थ अवस्था में भी जब अंत हुआ, वानप्रस्थ अवस्था का अंत कब होता है? 7 साल में वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, और अंत कब होता है? ब्रह्मा की आयु 100 साल। तो 36 में 60 साल और 76 में 100 साल, 100 साल पूरे होते हैं और मैं आता हूँ। तो 84 के अंत के भी अंत गाया हुआ। बाप आते हैं भारत में, ये अंतिम जन्म है भारत का। भारत में आते हैं, उस भारत का ये अंतिम जन्म है। वो ही महाभारत लड़ाई भी है। नाम क्या है? महाभारी महाभारत लड़ाई। किसके ऊपर नाम रखा हुआ है? भारत के ऊपर नाम रखा हुआ है। तो कौन हुआ भारत? लड़ाई किसके पीछे होती है? कौरव पांडवों के नहीं, कौरव पांडवों के बीच में तो लड़ाई होती है। कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई होती है, राम संप्रदाय रावण संप्रदाय के बीच में लड़ाई होती है, देवताओं और आसुरों के बीच में लड़ाई होती है, देवासुर संग्राम कहा जाता है। लेकिन ये लड़ाइयों में निमित्त कौन बना? जिसके नाम पर महाभारी महाभारत लड़ाई नाम दिया है? दुनिया में भी जो लड़ाइयां होती है उनमें निमित्त कौन बनता है? दुनिया में जो लड़ाइयां होती है उनमें कोई निमित्त बनता है कि नहीं? क्यों लड़ाई होती है? माया 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 भी कोई रूप में होती होगी। देवासुर संग्राम में निमित्त बनी लक्ष्मी, लक्ष्मी को बीच में लेकर देव और असुर आपस में लड़ पड़े, और रामायण का युद्ध हुआ सीता के बीच में लेकर, सीता निमित्त बन गई, और महावारी महाभारत युद्ध हुआ द्रौपदी बीच में आ गई। तो चाहे द्रौपदी कहो, चाहे सीता कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। तो बोला भारत माता कहा जाता है, भारत पिता पिता नहीं कहा जाता है। ये भारत माता के कारण सारी लड़ाई होती है। उसको जो सुरक्षा देनी है भगवान को, वो सुरक्षा देने के कारण लड़ाई होती है। बोला महाभारत लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है, तुम राजयोग भी सीख रहे हो। बाप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कभी याद करो। दो बातें बताते हैं मुख्य, एक पवित्र बनने की बात बताते हैं तो राजयोग भी अच्छा सिद्ध हो जाएगा। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो राजयोग भी सिद्ध नहीं होगा। जब पवित्रता की अच्छी प्रतिज्ञा में चलते हैं तो याद अपने आप आने लगती है, और जब पवित्रता टूटती है, चाहे दृष्टि से, चाहे वाइब्रेशन वृत्ति से,
चाहे कर्मेंद्रियों से अगर पवित्रता खंडित होती है तो बाप की याद टिकती नहीं। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, पवित्र बनेंगे तो याद अच्छी रहेगी। और फिर अरस परस भी है, मां में एकम याद करेंगे तो पवित्रता अपने आप आएगी, मां में एकम याद नहीं करेंगे, कोई दूजम तीजम याद करेंगे तो पवित्रता की जगह अपवित्रता आ जाएगी, क्योंकि व्यभिचार पैदा हो। तो बताते हैं मां में एकम याद करो और पवित्र बनो, दो तरीके हैं, अपन को आत्मा समझो तो विकर्म विनाश होंगे। अगर अपन को आत्मा नहीं समझेंगे देह समझेंगे तो पाप कर्म भी विनाश होंगे। आत्मिक स्थिति में ये गारंटी है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो बाप की याद अच्छी आएगी। इसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही ये ज्ञान समझाते हैं, क्या किसी और के द्वारा नहीं समझाते हैं। वो ब्रह्मा चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो या कोई भी ब्रह्मा हो, जिस दिन भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। भारतवासी देवी देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर के भ्रष्टाचारी बने, क्या जो देवी देवताएं थे 84 जन्म लेने वाले वो भ्रष्टाचारी कब बने? 82-83 जन्म लेकर के भ्रष्टाचारी बने या 84 जन्म लेकर के भ्रष्टाचारी बने? 84 जन्म जब लिए तो पूरे भ्रष्टाचारी बन गए। अब सामने विनाश खड़ा हुआ है। पति से पावन तो बनना जरूर है, पावन बनाने वाले बाप कहते हैं अभी मौत सामने खड़ा है। भारत परिस्थान था, अभी कभी भ्रष्टाचारी नाली तो बड़ी सहज है, बाप को याद करके पवित्र रहना है। ये पतित दुनिया खलास होनी है, इस अंतिम जन्म में इतने विकारी बनना बहुत जरूरी है। पतित पावन सर्व का सदृश जाता है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी सब मनुष्य गुरु तो भक्ति मार्ग है। ये बातें समझाना बहुत सहज है, उस समय शायद समझते हैं। इस समय जब महाभारी महाभारत लड़ाई शुरू हो जाती है, मारकाट शुरू होती है तो जाग पड़ते हैं, यहाँ आते हैं तो भी समझते हैं, यहाँ से बाहर गए और खेल खलास वहां की बाहर रह जाती है। तो बच्चों को समझानी बहुत अच्छी चीज आती है। ज्ञान सागर पति पावन स्वर्ग का रचयिता तो वही है, बादशाही पहले थी अभी वो बादशाही दबाई है। अभी फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान से और ही विकार आते हैं, क्या विकारों के आने का कारण क्या बताया? देहवान आता है तो सब विकार आते हैं, देह समझे तो स्त्री पुरुष का भान आता है। स्त्री पुरुष का भान कब आता है? आत्मा समझने से, आत्मा समझने से नहीं आता। आत्मा आत्मा तो भाई भाई होते हैं, आत्मा स्त्री चोला भी धारण करती है पुरुष चोला भी धारण करती है। स्त्री चोला कब धारण करती है? मान लो कोई पुरुष है और सारा जीवन कोई स्त्री को याद करता है, क्योंकि काम विकार मुख्य होता है मनुष्य में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो काम विकार प्रधान होता है। तो सारा जीवन काम विकार की जो रग लगी रहती है जीवन में वो अंत समय याद आ जाती है। मानो पुरुष चोला है तो पुरुष चोले को स्त्री याद आ जाएगी, तो अंत मत अगले जन्म में क्या बनेगा? स्त्री बने। और अगर स्त्री चोला है तो अंत समय में पुरुष याद आ जाता है, क्योंकि काम विकार स्त्री में भी होते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन पांच विकारों में मुखिया कौन है? मुखिया तो काम विकार है ना। तो इसलिए गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन तू इस काम को जीत ले, जयनम पाप मानम, ये महापापी है इसको जीत ले। अगर इसको जीत लिया तो फिर सब विकारों के ऊपर जीत प्राप्त हो जाएगी। तो ये कहां से आता है? कोई भी विकार आता कहां से? देह मन से आता है। अपने को देह समझते हैं तो सारे विकार आते हैं, काम विकार उनमें मुख्य है। तो पहले पहले काम विकार को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ये नहीं कि हम गर्गाट छोड़ करके भाग जाए, नहीं, अगर भागेंगे तो जीत ही नहीं पाएंगे। जो भी इब्राहिम बुद्ध का ऐसे गुरु नानक वगैरह वगैरह जो भी ऐसे ऐसे मनुष्य गुरु हुए वो सात सन्यासी की कोटि में, वो काम विकार को पूरा जीत नहीं सके, जीत नहीं सके, इसलिए सतगुरु में आते भी नहीं। अभी बाप कहते हैं कि तुमको तो पूरा ही जीत पानी है, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला बहुत ऊंचे से ऊंचा आया हुआ है। ऐसे नहीं कि काम विकार का ही मूल देह अभिमान है, क्रोध का मूल भी देह अभिमान है। कैसे? क्रोध कब आता है? कोई आदमी लुंजुम पुंजुम हो, पतला पतला हो, ताकत नहीं हो शरीर में, फिर वो पहलवान उसके सामने आ जाए, लड़ाई लड़ने लगे तो उसको गुस्सा आएगा उसके ऊपर है? गुस्सा ही नहीं है क्योंकि उसको देह है ही नहीं। जिसको देह होगी, पहलवान आदमी होगा तो वो पहलवान ही अपनी कमजोर के ऊपर दिखा रहा है। राजा होगा तो रंग के ऊपर पहलवान ही दिखाएगा, राजा ही दिखाएगा, तो राजा को बहुत अहंकार आता है। जो ब्राह्मण होगा वो शूद्रों के ऊपर नाराज होगा, है इतना नीचे आदमी हमको छू लिया। ये सब देवान आता है क्रोध का, देवान के कारण क्रोध बढ़ता है। ऐसे ही लोभ, लोभ कब आता है? लोभ आता है ना कि मैं अपनी देह के लिए, देह के पोषण के लिए, देह से पैदा हुए बच्चों के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए कमाई कमा के रह जाऊं तो बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है, जमीन में खोद खोद करके गाड़ता है, तो लोभ आया ना। वो लोभ जो है उसकी भी जड़ देवानी। क्या देवान? देह के प्रति पोषण, चाहे अपनी देह हो चाहे अपने बाल बच्चों की देह हो, उनका पोषण होता रहे, इनको कोई तकलीफ न हो देह को, तो लोगों को विकार का भी मूल देवन। अब आया मोह। मोह कब आता है? कोई माँ दूसरी माता से लड़ाई लड़ने लग पड़ती है, क्यों? अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने पड़ी, ये मेरी देह से पैदा हुआ बच्चा है, वो तेरी देह से पैदा हुआ बच्चा है, अपनी देह से जो बच्चा पैदा होता है उसके प्रति विशेष लगाओ, तो उसका भी मोह का कारण भी देवान हुआ। और अहंकार, अहंकार का तो मतलब ये देह है, अहंकार देह का ही अहंकार होता है। जिसमें अहंकार होता है वो दूसरों को बहुत दुख देता है। जैसे रशिया के लोग हुए, उन्होंने देह अहंकार के कारण क्या कर लिया? एटम बम बना लिए। आज सारी दुनिया एटम बमों से थरथरा रही। तो जो अहंकारी होता है वो भी देवभान के कारण ही अहंकार होता है। माने पांचों विकारों का मूल देवभान हुआ। अब क्या करें फिर? देवभान को ही खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म होगा? अपन को आत्मसमझ। आत्मा का ज्ञान कैसे मिला? क्या पहले लोग नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं?
भक्ति मार्ग में नहीं कहते थे कि आत्मा है, कहते थे थे थे? फिर कोई कह देता है आत्मा अंगुष्ठा में चले, कोई कहता है आत्मा सारे शरीर में व्यापक है, कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, कोई कहता आत्मा हृदय में निवास करती है। माने बुद्धि में पक्का किसी को विश्वास नहीं बैठा हुआ। अब बाप आते हैं तो बताते हैं कि बच्चे तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, अति सूक्ष्म आत्मा हो, और ये आत्मा पूरे शरीर में निवास नहीं करती है, अंगुष्ठा मिसल मोटी नहीं है, ये अति सूक्ष्म है। हालांकि अति सूक्ष्म की बात गीता में भी बताई गई, गीता में भी अणु वणियां सम अनुस्मरेति है, अणु से भी अणु अति सूक्ष्म आत्मा है। लेकिन फिर अंगुष्ठा मिसल भी बता दी शास्त्रों में, तो लोग मुगलते हो पढ़ते रहे। अभी बाप आकर के पक्का करके बताते हैं कि आत्मा तो ज्योति बिंदु ही है, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा का जो चोला है कार्य करने वाला वो शालिग्राम मिसल दिखाया गया। शालिग्राम छोटा होता है और शिवलिंग बड़ा दिखाया गया। ये बड़ा और छोटा होने का मतलब ये नहीं कोई आत्मा छोटी बड़ी होती है, छोटी बड़ी होने का सवाल नहीं, ये है कार्य के ऊपर। शिव जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है उस रथ के द्वारा बड़ा कार्य करता है, इतना बड़ा कार्य और कोई मनुष्य मात्र कर नहीं सकता, इसलिए उस बड़प्पन को बड़े कार्य को कैसे दिखाया जाए, वो दिखाने के लिए उन्होंने शिवलिंग बड़ा दिखाई दिया। जो भी रुद्रयागि रचेंगे तो उसमें एक बड़ा शिवलिंग बनाएंगे और छोटे छोटे शालिग्राम लाखों की तादाद में बना देते। तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही है, वो ज्योति बिंदु आत्मा में लिंग भी नहीं है कि आत्मा स्त्री हो आत्मा पुरुष हो, नहीं, आत्मा तो हमेशा पुरुष ही रूपी है। क्यों? क्योंकि आत्मा आधार लेती है किसका? शरीर का आधार लेती है, तो शरीर जैसे उसकी स्त्री हो गई, जैसे सुप्रीम सोल ऊपर से आता है तो वो तो परम पुरुष है, और जिसमें भी प्रवेश करता है जिस शरीर धर्म में, तो जो भी शरीर में प्रवेश करता है उसका नाम क्या देता है? वो परम पुरुष है। तो प्रवेश किसमें करता है, आधार किसका लेता है? जिसका भी आधार लेता है उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्मा माने बड़ी मन, माने वो बड़ा बाप है और वो जिसका आधार लेता है वो बड़ी मन। इसलिए ब्रह्मा से चार पांच मुख दिखाए जाते हैं, क्या ब्रह्मा नाम बहुतों के होते हैं लेकिन उनमें एक होता है प्रजापिता ब्रह्म। इसमें पहली पहली बार प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, तो ज्ञान का बीज बोने वाला भी बाप है। बाप का काम ही होता है बीज बोना, आदि में बीज बोना और अंत में बच्चों को वर्षा देना। तो बाप आया हुआ है, कहते हैं अब अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझो, ये देवान छोड़ दो। देवान नहीं छोड़ेंगे तो अंत में बहुत पछतावे, क्योंकि देह समझने से परमात्मा बाप याद नहीं आवेगा। रावण राज्य का 10 वर्ष के अंदर विनाश होना, क्या कौन से सन में बोला है? 66 में बोला, तो 10 वर्ष में 66 में माना 76 में विनाश हो गया क्या? रावण राज्य का विनाश हो गया है? तो झूठ बोला ना है? नहीं बोला, बोला तो लिखा हुआ है। ये तो बाबा की कैसे थे, कैसे में से लिख करके लिखा गया है। 10 वर्ष में दुनिया का विनाश होना है, क्यों नहीं हुआ? अरे चाहे विनाश का काम हो और चाहे स्थापना का कार्य हो, पहले सूक्ष्म रूप में शुरू होता है फिर बड़ा रूप लेता है। क्या कोई देश को खड़ा करना हो
तो क्या करते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं कि नहीं बुद्धि में, तो जो बुद्धि में प्लानिंग बनाई गई और प्लानिंग का फिर बड़ा रूप खाका खींचा गया, यहाँ ऐसे करेंगे, वहाँ ऐसे करेंगे, वहाँ ऐसे हमला करेंगे, यहाँ ऐसे हमला करेंगे, इस राज्य को खलास कर लेंगे। तो राज्य का विनाश करने के लिए भी छोटे से बड़ा रूप धारण किया जाता है, प्लानिंग बनाते हैं बुद्धि में, फिर खाका तैयार करते हैं, फिर उसके बाद स्थूल रूप में हमला करते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने ये सूक्ष्म रूप की बात बताई कि संक्षेत्र में ब्राह्मणों की दुनिया में ये विघटन की शुरुआत होगी। कहां से शुरुआत होगी, कौन करेगा विनाश, कोई तो निमित्त होगा, कौन निमित्त होगा, जिस मुकर्ररथ में प्रवेश करते हैं बाप, वो बाप का रूप जो है वो सब धर्म पिताओं का भी बाप है, मनुष्य मात्र का बाप है, उसमें प्रवेश करके वो ये प्लानिंग तैयार करते, जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के आधार पर बुद्धि में पहले ये निश्चित करना होता है कि अब हम मर्जी वाला जीवन जिएंगे, उसके लिए कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, खुद अगर इस दुनिया से मोह ममत्व माया त्याग दे तो जैसे कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी। एक ने कदम आगे बढ़ाया दृढ़तापूर्वक, तो उस एक के लिए ये गायन हुआ कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया उसकी खलास और नए संगठन ब्राह्मणों का तैयार करता है। ब्राह्मणों का नया संगठन तैयार होना माने नई दुनिया शुरुआत, और पुरानी दुनिया को बुद्धि में से निकाल दिया, जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कृष्ण हाथ में नई दुनिया लेकर के आ रहा है और पांव से पुरानी दुनिया को लात मार रहा है, तो ये बुद्ध रूपी लात है, बुद्ध रूपी पांव है जिससे तो पुरानी दुनिया को ठुकराना और नई दुनिया को बुद्ध रूपी हथेली में धारण करना, प्लानिंग बनाना उसके लिए। तो वो इशारा दिया, वास्तव में ये कोई ऐसी स्थूल बात नहीं है कि संक्षेत्र में सारी दुनिया का विनाश हो जाए, दुनिया तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया का पलक झपकते थोड़ी विनाश हो सकता है, विनाश होने के लिए तो बड़ा लंबा समय चाहिए। तो ये ज्ञान की बात है, ज्ञान से ही सदगति होती है, अगर इस बात का ज्ञान नहीं है कि बाबा ने किस कारण ये बोला 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो बुद्धि में बात बैठती नहीं है, काम कर ही नहीं सकता, जिसकी बुद्धि में बात बैठेगी वही कार्य पूरा कर पाएगा। तो एक के द्वारा फिर अनेकों की बुद्धि में ये बात बैठाई जाती है कि संक्षेत्र में कैसे नया संगठन तैयार होता है और पुराना ब्राह्मणों का संगठन खलास हो। पहले तो दुनिया छोटी ही होगी, बाद में बढ़ते बढ़ते बड़ी हो जाती, तो ऐसे ही एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया भी संक्षेत्र में बहुत छोटी थी और बढ़ते बढ़ते अभी सारे भारत में एडवांस नॉलेज फैल गई, नई दुनिया बढ़ती जा रही है और पुरानी दुनिया का विघटन बड़ी तेजी से होता जा रहा है। ये ज्ञान से सदगति होती है, ज्ञान आता है बुद्धि में, बुद्धि की बात है समझने की कि कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और कैसे नई दुनिया की स्थापना कराते गाते भी है, फिर कहते हैं गंगा के पानी में स्नान करने से पावन बनेंगे। अब गंगा भी तो नदी है ना, वो नदियां तो जड़ होती है, जड़ नदियों में जड़ पानी बहता है, जड़ पानी से स्नान करने से जड़ शरीर शुद्ध होगा न कि आत्मा शुद्ध होगी, जड़ शरीर शुद्ध होगा। ऐसे ही चैतन्य नदियां हैं, चैतन्य नदियां दीदी दादियां अगर उनके ज्ञान जल में स्नान करेंगे, दीदी दादियां जो ज्ञान सुनाती हैं उनके उस ज्ञान जल में अगर स्नान करेंगे तो क्या कोई पावन बनेंगे, नहीं, क्यों नहीं पावन बनेंगे, क्योंकि वो जो भी ज्ञान सुनाती है उसमें नई बात कोई भी नहीं सुनाती, सार की बातें नहीं सुनाती,
विस्तार की बातें सुनाती। तो जो विस्तार है उसमें सार नहीं होता, और जहां सार नहीं है वहां प्राप्ति नहीं होती। सार कब निकलता है, मक्खन कब निकलता है, अमृत कब निकलता है, जब मंथन होता है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कुछ बोला गया बस उसी बातों को वो रिपीट करती है, नई बात तो कोई सुनाती नहीं। बाप तो आकर के बाप के रूप में जब ज्ञान सुनाते हैं तो सारी नई नई बातें सुनाती। भले ब्रह्मा बाबा की सोल मुरली हाथ में लेकर के पढ़ती है कोई चेतन में प्रवेश करके, लेकिन मुरली पढ़ने वाली आत्मा दूसरी और उसका क्लैरिफिकेशन देने वाली आत्मा दूसरी होती है। कौन है क्लैरिफिकेशन देने वाली? टीचर का रूप कौन बनता है? बाप बाप बनकर के भी आता है, टीचर बनकर के भी आता है, और सदगुरु बनकर के भी आता है। बाप बनकर के यज्ञ के आदमी आया था जिसके मुख से गीता ज्ञान की शुरुआत हुई, ज्ञान का बीज रोपण किया। फिर माता के रूप में पाठ चलता है, माता बच्चों को जन्म देती है, पालना करती है। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो बाप वर्षों बच्चों को वर्षा देता है। तो पहले वर्षा देता है गति सदगति, काय की गति सदगति करता है बुद्धि, मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो आत्मा की गति होती है। आत्मा जो है विकारों को भोगते भोगते जामड़ी बन जाती है, उसमें मनन चिंतन मंथन चलता नहीं, और चलता भी है तो दूषित चलता है। ऐसा मनन चिंतन मंथन चलता है जिससे दुनिया और ज्यादा दुखी हो जाए। एटम बम बना लेते हैं, खुद भी उसमें स्वाहा होने वाले हैं और सारी दुनिया को भी स्वाहा कर देते हैं। तो ऐसी बुद्धि तो किसी काम की नहीं। तो बाप आकर के पावन बुद्धि बनाते, पावन बुद्धि बनाना माना बुद्धि की सदगति करना। बुद्धि की जब सदगति होती है तो मनन चिंतन मंथन जो अच्छा चलेगा, उस अच्छे मनन चिंतन के आधार पर आत्मा अपने अनेक जन्मों को पहचान कर सकती है। ये हुआ ज्ञान। ज्ञान माना जानकारी, जानकारी पहले अपनी करनी चाहिए या दूसरों की करनी चाहिए? पहले अपनी जानकारी करनी चाहिए। तो बाप आकर के ऐसा बुद्धि का वरदान देते हैं, ऐसी बुद्धि शास्त्र को बनाते हैं जिससे कि आत्मा मनन चिंतन मंथनशील बने। शुरुआत कहां से होती है, किसके द्वारा होती है? 76 में जिस सन में मुकर्रर रूप से बाप आकर के प्रत्यक्ष होते हैं उसके द्वारा मनन चिंतन मंथन की शुरुआत करते हैं। ऐसे तो दिखाया गया है कि सागर मंथन हुआ, सागर मंथन किसने किसने किया? एक ने किया या अनेकों ने किया? एक ने किया सागर मंथन, एक ने किया या अनेकों ने किया? अनेकों ने किया। उसमें देवता भी शामिल थे और असुर भी शामिल थे। देवताएं वो भी सागर मंथन में मिक्स हुए, वो क्या नाम जुड़ गए, और असुर भी जुड़ गए। अंतर क्या पड़ा दोनों में, दोनों के सागर मंथन में क्या अंतर हुआ है? जो असुर थे उन्होंने मुख पकड़ा कि बाबा ने ऐसे क्यों बोला, बाबा ने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये बात ठीक नहीं, वो बात ठीक नहीं। ये मुख पकड़ने का काम असुर करते हैं। अरे भगवान तो जो कुछ बोलेगा वो सच्चाई बोलेगा, झूठ थोड़े ही बोलेगा। भगवान की बोली हुई बातें तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तो असुर मुख पकड़ते हैं और देवताएं पूछ पकड़ते। पूछ पकड़ने का मतलब है पीछे पीछे चलते हैं, फॉलो करते हैं। भगवान जैसे भी चलाएगा चलेंगे, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। रावण को दर्शन दिखाए जाते हैं और विष्णु को भुजाएं दिखाई जाती है, क्या मतलब हुआ? विष्णु है देवता और रावण है असुर। रावण क्या करता है? वो अनेक मते हैं, मते दे देता है। इस मुरली का ये अर्थ हुआ, इस मुरली का ये अर्थ हुआ, इस मुरली का ये अर्थ हुआ,
अपने अपने अर्थ कर दिए, जैसे शास्त्रों के अपने अपने अर्थ कर दिए। अरे भगवान बाप कहते हैं मैं खुद ही टीचर बनकर के आता हूँ, तुमको अपना अर्थ लगाने की क्या दरकार है, मैं खुद ही टीचर बनकर के एक एक बात का क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ऐसे करके समझाता हूँ, तो मेरी समझानी सच्चाई होगी, सच्ची होगी, या तुम जो अपनी मनमत पर अधिकारी बुद्धि के आधार पर समझाने देते हो वो अच्छी सच्ची होगी। तो बाप आकर के टीचर भी बनते हैं, टीचर बनकर के जो पढ़ाई हुई गीता है, गीता का गीत है, उस गीता का अर्थ बैठ करके समझाते हैं, तो जो समझाते हैं वो समझने वालों में नंबर वन निकलते हैं। जो अच्छी तरह समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं वो बनते हैं देवता। जो खुद अच्छी तरह समझते भी नहीं और दूसरों को समझाते भी नहीं वो देव देव पद प्राप्त नहीं करते। तो गंगा के पानी में स्नान करने से पवित्र कोई पवित्र बुद्धि वाला नहीं बन सकता। क्या वो दीदी दादी दादाएं क्या है, वो भी तो ज्ञान गंगाएं हैं। बताया उन ज्ञान गंगाओं में जो बैठ करके स्नान करते हैं लाखों की तादाद में, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, मेगा प्रोग्राम, तो मेगा प्रोग्राम में कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं। वहां जो भाषणबाजी होती है नदियों की, चैतन्य नदियों की, उस नदियों में वो स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, वो तो एक तरह का मेला हो गया, मेले में मैले हो सकते हैं, आत्मा अपवित्र बन सकती है लेकिन पवित्र नहीं बन सकती। पवित्र कब बनेगी, जब आत्मा और परमात्मा का मेला, एक तरफ आत्माएं भी हो और दूसरी तरफ परमात्मा भी साक्षात हो, प्रैक्टिकल में हो, नहीं तो नदियों के मेले से कभी भी दुनिया का उद्धार हो। ये तो मेले तो लगते ही चले आए, पहले भी स्कूल नदियों के मेले लगते थे, अभी चेतन नदियों के मेले ब्राह्मणों की दुनिया में लगते हैं, है यहाँ की यादगार। भक्ति मार्ग में जो मेले लगते हैं वो कहाँ की यादगार, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो मेले लगाए जा रहे हैं चेतन नदियों के द्वारा उसकी यादगार बोलो, जल नदियों के मेले शुरू कर दिए। बाप कहते हैं नदियों के स्नान से कोई भी पवित्र नहीं बन सकता, मैं खुद ज्ञान सागर आकर के जब साकार में ज्ञान सुनाता हूँ समझाता हूँ तब सदगति होती है। ऐसे बंदर बुद्धि है जो कुछ भी समझते नहीं है, मुख्य यही पवित्रता की बात। क्या नदियों में स्नान करते हैं तो पवित्र बनते हैं, और बाप के ज्ञान में ज्ञान सागर बाप जो आता है वो सागर में जो स्नान करते हैं तो पवित्र बनते हैं। तो अपवित्रता अपवित्रता और पवित्रता की मुख्य बात है। जो पवित्र नहीं बनते उनको फिर हम तो अलाउ नहीं करते, वो गुरु लोग हैं भक्ति मार्ग में, चाहे कोई पवित्र बनते हो चाहे अपवित्र बनते हो सबको कहते हैं आओ आकर के सुनो मजमा लगाओ, तुम पवित्र बनो या न बनो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको पैसे देते जाओ। तो उनका तो लक्ष्य कुछ दूसरा रहता है, जो बड़े बड़े रईस आदमी होंगे उनको नजदीक नजदीक बैठाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां दे देंगे उनमें बैठते हैं, मंच पे आकर बैठते हैं, और जो गरीब आदमी है वो दूर दूर उनको नहीं। बाप कहते मैं तो गरीब निवाद हूँ, मैं कोई साहूकारों को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। एडवांस नाली शुरू होती है तो उसमें गरीब इकट्ठे होते हैं या साहूकार इकट्ठे होते हैं, गरीब इकट्ठे। यज्ञ के आदि में जो ज्ञान आकर के दिया दादा लेखराज के तन में, उस समय साहूकार इकट्ठे हुए थे कि गरीब इकट्ठे हुए थे, साहूकार इकट्ठे हुए, आया भी था साहूकार के तन में। तो मैं साहूकार निवास नहीं हूँ, साहूकारों से मैं अपना काम निकालता हूँ। क्या काम निकाल लेते हैं बाकी जाओ, तो हमारे काम के नहीं, हमारे काम तो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि भगवान गरीब निवास गया है, गरीबों को कोई दुनिया में नहीं पूछता। आज सारी दुनिया में जो होड़ लगी है उसमें कोई गरीबों की तरफ ध्यान दे रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और जो साहूकार है वो साहूकार होते जा रहे हैं। कोई भी ताकत नहीं जो गरीबों की गरीबी दूर करे, बजाय गरीबी दूर करने के गरीबों को ही खलास कर देते,
बाप कहते हैं कि मैं गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए आया, जन्म जन्मांतर के लिए मैं साहूकार बनाने के लिए आया, और गरीब ही इस ज्ञान को उठावेंगे। जो सुखी होंगे, साहूकार होंगे, जिनके पास सब कुछ मौजूद है, उन्हें भगवान की क्या दरकार? सुख में सिमरण करता है या दुख में सिमरण करता है? दुख में कोई सिमरण करता है। तो मैं दुखी बच्चों के पास आकर के उनको सुखी बनाता हूँ, लेकिन उनमें भी जो पवित्र बनते हैं उनको अलाउ करता हूँ, जो पवित्र नहीं बनते हैं उनको सभा में आने के लिए अलाउ नहीं करता। क्यों है? पवित्रता तो सबसे बड़ा धन है। साहूकारों को अलाउ वो गुरु लोग करते हैं, वो तो विनाशी धन वाले साहूकार हैं। और बाबा किसको अलाउ करते हैं? जो पवित्र रहने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं उनको अलाउ करते हैं। तो होशियारी किसमें हुई है? जो बच्चे पवित्र आत्माओं को बाबा की सभा में लेकर के आते हैं वो होशियार बच्चे हैं, और अपवित्र आत्माओं को उठा करके ले आते हैं तो पत्थर भी, क्योंकि बाप की अवज्ञाकारी की। जैसे अहिल्या का मिसाल देते हैं, अहिल्या ने क्या किया है? पति की भिखारी को इंद्र की सभा में ले आई, तो बाप कहते हैं उसको साप दे दिए। क्या साप दिया? पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन पत्थर बुद्धि बना है? कोई तो वाक्य ऐसा हुआ होगा। कौन सा वाक्य ऐसा हुआ होगा? कब हुआ होगा? यज्ञ में कोई ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी को ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर भेजा गया कि सेवा करके आओ। वो सेवा करने गई तो भिखारियों में ही जाकर के भिखारी बन गई। जानती थी ये भिखारी मनुष्य है। अब क्योंकि उस मनुष्य से उसका लगाव लग गया, तो लगाव लग जाने के कारण उसको उठा करके ले आई कि हम सेवा करके लिए जा रहे हैं। बताना नहीं बाबा। तो बाबा की सभा में आकर के बैठ गई। अब बाबा तो जानते हैं, बाबा की नजर से थोड़ी छुपेगा। तो अभिशाप लग गया। क्या? जा पत्थर बुद्धि बन जा, तेरी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान बैठ नहीं सकता। एडवांस नॉलेज बुद्धि में नहीं बैठ सकती। अब सारा ब्राह्मण परिवार उनका मुंह देख रहा है। किसका? अहिल्या बुद्धि का, कि ये माने तो हम माने। वो मानने वाली नहीं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। तो कितना बड़ा कल्याण हो जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको पत्थर बुद्धि से भी पार्थ बुद्धि बनाने के लिए आता। अहिल्याओं, कुबजाओं, गणिकाओं, उनका भी उद्धार किसके द्वारा होता है? एक बाप के द्वारा। वो आकर के कल्याण करती है और बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप अपवित्र को सभा में अलाउ नहीं करते हैं। अगर अलाउ करें तो क्या नुकसान हो जाएगा? अलाउ करें तो जो अपवित्र आत्माएं आवेंगी वो अपवित्र आत्माएं वाइब्रेशन खराब करती रहेंगी, उनकी दृष्टि ठीक होगी नहीं। वो पवित्र भी लोगों के बीच में आकर के भी उनमें अपवित्र दृष्टि मारेंगे, अपवित्र वाइब्रेशन फैला देंगे। तो बाबा का जो ज्ञान है वो ज्ञान जिस तरीके से फैलना चाहिए, जिस तरीके से उठाना चाहिए, वो उठा नहीं सकेंगे बच्चे। पवित्र यहाँ रह सकते क्या? इसलिए प्रतिज्ञा पत्र लिखाते। प्रतिज्ञा पत्र लिखो, हम जीवन भर पवित्र बनकर के बाबा के पास रहेंगे, अपवित्र बुद्धि नहीं बनेंगे।
तो बोलते हैं कि पवित्र रह सकते हो तो आओ। पतित यहाँ सभा में आकर के बैठ न सके। बाबा को कब ख्याल आता है बड़ी सभा में जाकर के भाषण करें? क्या बाबा कभी कभी सोचते हैं कि जैसे बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं वो बड़ी बड़ी सभाएं लगाते हैं, मजमा लगाते हैं और वहां जाकर के भाषण करते हैं, तो बाबा को बुद्धि में उमंग आता है हम भी बड़ी सभा में भाषण करें तो ढेर सारी आत्माएं जो है वो कन्विंस हो जाए, जुड़ी ज्ञान ले लें। परंतु जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? बाप छोटी छोटी सभाएं लेकर के क्यों ये ज्ञान फैलाते हैं? माइक पर लाउड स्पीकर पर क्यों नहीं पढ़ाई पढ़ाते? क्योंकि छोटी छोटी जो सभा लगाएंगे उसमें जो भी बच्चे आकर के बैठेंगे वो एक किस्म के बच्चे होंगे, बाप के बच्चे बनकर के आए हुए होंगे, पहचान में आ जाएंगे। और बड़ी सभा होगी तो उसमें पहचानना बहुत मुश्किल होगा। पहचाना ही नहीं जा सकता है कि किसने बच्ची की है किसने बच्ची नहीं की है, किसने बाप को पहचाना है किसने नहीं पहचाना, कौन बच्ची करके बाप के घर में जाके जन्म लेने वाला बच्चा बना है कौन नहीं बना, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। कहते हैं हमको भी साथ ले जाएंगे बड़ी सभाओं में, हो सकता है ये भी ठीक है, अंत समय में मुझे याद करेंगे तो अंत मते सुगति हो जाएगी। माने हो सकता है अंत समय में बाबा बड़ी बड़ी सभाओं में प्रवेश करें, अंत समय में, अभी नहीं। जब दुनिया का वातावरण थोड़ा सुधर जाएगा, ज्ञान फैल जाएगा, तो बाबा को गुप्त रहने की भी दरकार नहीं है। और अभी तो गुप्त रहने की दरकार है। तो मैं समझता हूँ सभा देख करके शायद धक्का पड़ जाता है, गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्गुण संस्था भी होती है, अभी अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते है? ये निर्गुण संस्था की बात बीच में कहां से लगा दी? मैंने ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई निर्गुण संस्था होगी भी या नहीं होगी? कौन सी है? एक सगुण संस्था एक निर्गुण संस्था, एक सगुण उपासी एक निर्गुण उपासी, तो निर्गुण संस्था किसकी तरफ इशारा किया है? बिजली वाले निर्गुण है, निर्गुण माने निराकार उपासी और सगुण माने साकार उपासी है, निर्गुण माने निराकार उपासी और सगुण साकार उपासी, तो वो बाप ब्रह्मा बाबा को मानते हैं साकार रूप में, और यहाँ अभी नहीं मानते तो है साकार में निराकार को, निश्चय पत्र भी लिख करके देते हैं, लेकिन कभी आज निश्चय पत्र लिख करके देते हैं कल निश्चय पैदा हो जाता है, जब अनिश्चय पैदा होता है तो फिर निराकार को पकड़ लेते हैं, तो क्या कहेंगे निराकार उपासी हुई है, निर्गुण उपासी हुए, साकार उपासी हुए, निर्गुण हो गए, इसलिए कहा मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्गुण संस्था है, निर्गुण बालकों की संस्था है, जैसे बालक में कोई विकार नहीं होते हैं ऐसे ये एडवांस पार्टी के भी बच्चे हैं, लेकिन निर्गुण संस्था वाले हैं, जब निश्चय बैठ जाएगा तो विजय वाला निर्गुण लायक बन जाएगा। ये बताया कि रुद्रमाला बनती तो पहले है लेकिन विजयमाला में वो मणके पहले पहले फिर वो नहीं जाते, विजयमाला आगे बढ़ जाती है, स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बन जाती है, और निर्गुणमाला के बच्चे जो रुद्रमाला है वो एक तरफ नहीं रह जाती, बाद में फिर जब रुद्रमाला के मणके जो जो पवित्र बनते जाएंगे विकारों पर जीत पाते जाएंगे विजयी पाते जाएंगे वो फिर वैजयंती माला में ऐड किए जाएंगे, तब उनका पूजन होगा। तो निर्गुण संस्था गाते भी है समझते नहीं, जो सबको बेहद का बापू जी है
हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, हम हद के बापूजी की श्रीमत पर नहीं चलते। माना ब्राह्मणों की दुनिया में हद का बापूजी कौन हुआ, बेहद का बापूजी कौन हुआ? हद का बापूजी ब्रह्मा बाबू। जैसे वो बापूजी कहते थे हम राम राज्य लावेंगे, तो राम राज्य ला सके? राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया के बापूजी कहते थे हम राम राज्य लावेंगे, राम राज्य लाते लाते खुद ही उड़ गए और राम राज्य आ न सका, और ही ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बन गया? रावण राज्य बन गया। तो फिर बोला भी है कि गांधी बापू मरा तो राजकोट में कोई बड़े साहूकार के यहाँ जाकर भी जन्म लिए, वो तो स्कूल बापू स्कूल दिन दुनिया का, जिसने शरीर छोड़ा तो राजकोट में कोई स्कूल साहूकार होगा उसके यहाँ जाके जन्म लिए। यहाँ तो बेहद का ज्ञान है, बेहद का बापू जी गांधी जी, गांधी जी माने ब्रह्मा बाबा, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो कहाँ जाके जन्म लिए? राजाओं का किला, जो रुद्रमाला है वो किसका किला है? राजाओं का किला है। उस राजाओं के किले में कोई बड़ा ज्ञान का साहूकार होगा, उस ज्ञान के साहूकार के यहाँ जाकर के जन्म ले लिया, प्रवेश कर लिया। तो बाबा जी तो सारी बेहद की बातें, हज की भी बात बोलते हैं और कहाँ लागू होती है? जाके बेहद में लागू होती है। तो बोला जो बेहद का बापू जी है हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, हम हद के बापू जी की श्रीमत पर नहीं चलते। और ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित ब्रह्मा कुमार की श्रीमत पर चलते हैं। ब्रह्मा बाबा से जाकर के पूछते थे बाबा शादी करें या नहीं करें, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है माँ बाप पर। तो बाबा कहते हाँ बच्चे, तो माँ है, माँ का स्वभाव है ना, तो दुख की बातें किसी की सुन नहीं सकते। भले मुरली में कह दिया है शादी बर्बादी, लेकिन उनको डायरेक्शन दे दे, अच्छा बच्चे पवित्र रह करके दिखाओ, बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसा तो होशियार बच्चा निकले, हैं वीर वीर बहादुर बच्चा निकले जो घर व्यस्त में रह करके पवित्र रह करके दिखा दे दिया डायरेक्शन करो। घर व्यस्त में रह करके कोई पवित्र बन सकता है? शादी करेंगे और पहले ही दिन लुढ़क पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं कि मैं बेहद के बापूजी की मत पर जो चलेंगे वो ही विजय पाएंगे, हद के बापूजी थोड़े लूज होकर के डायरेक्शन देते। ये बेहद का बापू लूज डायरेक्शन देने वाला नहीं है। यज्ञ के आदि में भी ये दोनों ही बापू थे, प्रजापिता ब्रह्मा भी था और ब्रह्मा भी था। जैसे वो पुरानी गवर्नमेंट उस समय जब ये कांग्रेस सरकार स्थापन हुई थी, अंग्रेजों को भगाया था, तो अंग्रेजों को भगाने के टाइम भी दो दल थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, एक गरम दल और एक नरम दल। नरम दल के मुखिया थे गांधी जी और गरम दल के मुखिया थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री मैन था, कड़क आदमी था। तो जो हद में बातें होती है वही बेहद में भी बातें होती है। हर बात को हद में और बेहद में टैली करना पड़ता है। तो